अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एंड दिस इज़ योर फॉर्मा मॉम। और आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों में आप कैसे नेजल वॉश कर सकते हैं, इसके लिए सोल्यूशन कैसे बनाना पड़ेगा, इसकी अवेलेबिलिटी कैसे होती है और आप कैसे बच्चे को नेजल वॉश के ज़रिए सुकून दे सकते हैं। तो ये जो है ये आपको ईजिली किसी भी फार्मेसी में मिल जाएगा। लाहौर में मैंने ये बुखारी लैब से बाय किया था 300 रुपीज़ का, तो आपको ये दराज पर ईजिली अवेलेबल है। इसके अलावा अमेजोन वगैरह पर भी ये होता है। ये इसके पार्ट्स मैं आपको दिखाती चलूं कि ये एक बॉटल है, बॉटल के साथ एक ये पाइप लगा होता है और ये इसके अंदर होल होता है, ये आप देख सकते हैं। ये इसके दो पार्ट्स हैं। इसका यूज़ करने का तरीका कार बहुत ही आसान है। इसके लिए आपने किसी भी केटल पानी को वॉर्म कर लेना है और वॉर्म करने के बाद इसके अंदर वो ऐड करना है, वॉर्म वाटर यूज़ करना है, ना तो ये बॉइलिंग हो ना ही बहुत ठंडा पानी हो। आपने वॉर्म वाटर के साथ इसको इस्तेमाल करना है और साथ साथ आपने इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करना है। ये तीनों चीज़ें, यानी आपने इस बॉटल के अंदर वाटर ऐड किया और बाद में नमक ऐड किया, नमक ऐड करने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं ये जो बॉटल है उसमें वॉर्म वाटर ऐड कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैंने आधा चम्मच नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से शेक करेंगे और ये सोल्यूशन हमारा रेडी हो जाएगा। बेसिकली ये सोल्यूशन ही नेजल वॉश के लिए यूज़ होता है, इसके साशे भी अवेलेबल होते हैं। यहाँ मैं ईसा को रेडी कर चुकी हूँ क्योंकि इसको एलर्जीज का बहुत इशू रहता है, तो ईसा को हम रेडी करने के बाद ये इसके एक नॉस्ट्रल में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। यहाँ मैं उसे मेंटली प्रिपेयर कर रही थी, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन बच्चा बहुत कंफर्ट में आ जाता है। ये मैंने उसके एक नॉस्ट्रल में डाल के इसको वॉश किया और दूसरी तरफ से सारा पानी बाहर आ गया और उसकी नाक अच्छे तरीके से साफ हो गई। तो ये बेहतरीन है उन बच्चों के लिए जिनमें एलर्जीज होती हैं और सारा पोलन और सारा जो डस्ट होता है नाक में वो बाहर आ जाता है और बच्चा बहुत रिलैक्स होता है और सारा रेशा भी बाहर आ जाता है। अगर नाक के अंदर रेशा मौजूद हो तो वो भी बाहर आ जाएगा। इसी तरह साइनस वाले लोगों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।